बढ़ते डीजल एंड पेट्रोल के दाम के कारण लोग बहुत तेजी से इलेक्ट्रिक स्कूटी की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक स्कूटी का मार्केट ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है इंडिया में। अगर अभी इलेक्ट्रिक स्कूटी का डीलरशिप लेकर बिजनेस करा जाए तो ये एक समझदारी होगी। तो आज के वीडियो में जानेंगे इलेक्ट्रिक स्कूटी का कंपेयर एक दूसरी कंपनी के साथ और कौन सी कंपनी का डीलरशिप लेना बेहतर होगा अभी के मार्केट के हिसाब से। तो पहले जान लेते हैं इंडिया में कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटी कंपनी अपना डीलरशिप दे रही है। तो इसलिए हम अपना प्रोडक्ट कंपेयर शीट पे आते हैं। इसमें हम उस कंपनियों का प्रोडक्ट को कंपेयर कर रखा है जो अपना डीलरशिप दे रही है इंडिया में अभी का मान के चले। तो चलिए देख लेते हैं अपना एक्सेल शीट। तो इस शीट में मैंने 7 इलेक्ट्रिक स्कूटी बनाने वाली कंपनियों को कंपेयर किया है जो अपने डीलरशिप दे रही है, जिसमें प्रमुख नाम है TVS, बजाज चेतक, हीरो इलेक्ट्रिक, एथर, प्योर ईवी, बेनिंग अरवा और ओकिनावा। और इसमें इलेक्ट्रिक ओला इलेक्ट्रिक और सिंपल वन को कंपेयर नहीं किया है क्योंकि वो अपना डीलरशिप नहीं दे रही है अभी। अगर राइडिंग रेंज की बात किया जाए तो TVS एक बार चार्ज होने पर 75 किलोमीटर का रेंज देता है, वहीं बजाज चेतक का रेंज है 95 और हीरो इलेक्ट्रिक का रेंज है 108 किलोमीटर और एथर एक बार चार्ज होने पर 116 किलोमीटर का रेंज देता है, जो काफ़ी मैसिव रेंज है। प्योर ईवी 90 से 120 किलोमीटर का रेंज देता है और बेनिंग ओरा 120 किलोमीटर का रेंज देता है और ओकिनावा एक बार चार्ज होने पर 139 किलोमीटर का रेंज देता है, जो अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। अगर स्पीड की बात किया जाए तो TVS 78 किलोमीटर पर हावर स्पीड देता है, वहीं बजाज चेतक 70 किलोमीटर पर हावर देता है और हीरो इलेक्ट्रिक यहां सबसे स्लो है जो 45 किलोमीटर पर हावर का स्पीड देता है और एथर 80 किलोमीटर पर हावर का स्पीड देता है। एथर इस लिस्ट में सबसे टॉप स्पीड देता है। बात किया जाए प्योर ईवी और बेनिंग ओरा की तो दोनों स्कूटी 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड देता है और ओकिनावा 58 किलोमीटर का स्पीड रेंज देता है। अगर चार्जिंग टाइम की बात किया जाए तो ये कितनी जल्दी फुल चार्ज हो जाती है, क्योंकि ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर में। TVS की बात किया जाए तो इसे फुल चार्ज होने में 5 आवर्स का टाइम लगता है और बजाज चेतक को 5 आवर्स का और हीरो इलेक्ट्रिक को भी 5 आवर्स का फुल चार्ज होने में टाइम लगता है और एथर को फुल चार्ज होने में 3.5 आवर्स का टाइम लगता है, जो सबसे कम टाइम लेता है इस लिस्ट में फुल चार्ज होने में। और प्योर ईवी 4 आवर्स में फुल चार्ज होता है, बेनिंग ओरा 5.6 आवर्स में और ओकिनावा 4.5 आवर्स में। मोटर पावर देखें तो TVS का है 4400 वाट, बजाज चेतक का 3800, हीरो इलेक्ट्रिक का मोटर पावर है 1800 वाट, एथर का है 6000 वाट और प्योर ईवी का मोटर पावर है 2200 वाट। बेनिंग ओरा और ओकिनावा का मोटर पावर सेम है, जो 2500 वाट। बैटरी वारंटी सभी कंपनी 3 इयर्स का दे रही है सिर्फ प्योर ईवी को छोड़कर। प्योर ईवी अपने बैटरी का 5 इयर्स का वारंटी दे रही है। प्राइस सभी कंपनियों का यहां पर दे रखा है, आप लोग ध्यान से देख लेना। याद रखना ये सिर्फ एक शोरूम प्राइस है और फिर ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है कि प्राइस कितना होगा। किसी स्टेट में कम भी हो सकता है और फिर किसी स्टेट में ज़्यादा। आप लोगों को शायद पता होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में सरकार सब्सिडी देती है, बट यह सब्सिडी का परसेंटेज हर एक स्टेट में अलग अलग हो सकता है, इसलिए प्राइस कम बेस हो सकता है हर एक स्टेट के हिसाब से। तो आप लोग जब डीलरशिप के लिए अप्लाई करोगे तब सारा जानकारी अच्छी तरीके से मिल जाएगा। मैंने जो इस एक्सेल शीट में जितनी भी कंपनियों का प्रोडक्ट को कंपेयर किया है या दे रखा है,
ये सारी कंपनियां अपने डीलरशिप दे रही है इंडिया में, लेकिन TVS, बजाज और हीरो का ऑलरेडी बहुत सारा डीलरशिप है पूरे इंडिया में। कंपनी में अगर आप डीलरशिप के लिए अप्लाई करोगे तो बहुत कम चांस है कि आपको डीलरशिप मिले, या वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। और जो बाकी का बचा हुआ 4 कंपनी है, इन लोगों का प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है कंपेयर टू बजाज, हीरो और TVS। चाहे आप स्पीड वाइज देख लो, या चार्जिंग रेंज देख लो, या मोटर पावर देख लो, इन लोगों का प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है इन कंपनियों से। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इन कंपनियों के साथ जाओगे तो आपका चांस भी बढ़ जाता है डीलरशिप मिलने का। और ये नई नई कंपनी है तो ये अपना डीलरशिप के जरिए से अपना पूरे इंडिया में नेटवर्क बनाना चाहती है, तो इन कंपनियों के साथ जाना एक अच्छा समझदारी का काम होगा। मैंने इस वीडियो में जितनी भी कंपनियों के बारे में बात किया है, अगर उसमें कोई भी कंपनी का आप डीलरशिप लेना चाहते हो तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर अप्लाई कर सकते हो। और जो एक्सेल शीट मैंने दिया है उसमें जो प्रोडक्ट को कंपेयर किया है, वो एक्सेल शीट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो उसका भी लिंक हमने दे रखा है नीचे, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हो। और एक हम डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे एथर के ऊपर, क्योंकि मेरे हिसाब से एथर एक अच्छी कंपनी, एक ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट है उसका, तो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे कि कितना खर्चा आएगा, कैसे अप्लाई करें, उसके ऊपर एक बहुत जल्द वीडियो लाएंगे। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं फिर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।